नमस्कार दोस्तों, आपका RBS हेल्प चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देश, और आज मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं कि आप 12वीं और 10वीं का रिजल्ट अपने नाम से कैसे देखते हैं, और आप किसी का भी रिजल्ट देख सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट पर जाना है और वहाँ पर लिखना है 12th result 2018। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2017 लिखा है क्योंकि अभी तक 2018 का आया नहीं, लेकिन रिजल्ट फिक्स 6:15 पर आ जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये BSER वाली मैंने खोल दी है, और इस कुछ साइट को खोलने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड बाई रोल नंबर एंड बाई नेम लिखा हुआ होगा। आपको फाइंड बाई नेम पर जाना है और वहाँ पर आपको नाम लिखना है, और जैसे मैं अभी यहाँ पर हितेश नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये हितेश करके मैंने आज फाइंड रिजल्ट पर क्लिक किया है। उसके बाद आप लिस्ट देख सकते हैं कि हितेश नाम की पूरी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इस लिस्ट में से आपको जो भी आपका जो भी हो, जिसका देखना हो वही देखें। और उसके बाद अगर आपको नहीं मिले तो सेकंड पेज ऊपर मैंने दिखाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर थर्ड पर क्लिक किया है, और यहाँ पर थर्ड पर देखने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी अगर नहीं मिले तो आप अगले पेज पर देखिए, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने खाली एक ही नाम लिखा है, इसके पीछे आपको नाम जरूर सरनेम जरूर लिखना है, सरनेम लिखने से आपको जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो हमारे